NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। गणित अध्यापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या है गणित से डर या गणित का फोबिया, मैथ्स फोबिया, गणित भीत भी इसे हम कहते हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, जो कि वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के शिक्षा विद्यापीठ से यहाँ पधारे हैं। मैं NIOS स्टूडियो में NIOS की तरफ से डॉक्टर अखिलेश जी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर अखिलेश जी, कृपया हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताएं कि ये मैथ्स फोबिया या गणित भीति आखिर है क्या? यशपाल सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और आज की तारीख में ये जो गणित फोबिया है, ये बच्चों को बड़े पैमाने पे प्रभावित कर रहा है। आपके प्रश्न पे जाने से पहले मैं एक केस स्टडी के द्वारा इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। आइए ज़रा देखें श्रवण के केस पे, कि श्रवण एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है जो पढ़ने लिखने में बहुत अव्वल है अधिकांश सब्जेक्ट में, और पढ़ने में उसकी रुचि भी है जी। लेकिन श्रवण बताता है कि गणित की कक्षा में उसे विभिन्न प्रकार की समस्या होने लगती है। जब भी वो गणित की कक्षा में जाता है, कई बार वह सुस्त महसूस करता है, कई बार उसको लगता है कि उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है। कई बार जब वो गणित की समस्याओं को हल करने बैठता है तो उसे लगता है कि उसका दिमाग बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गणित की परीक्षा वाले दिन उसे हाथों में पसीना, बार बार सोच जाने की इच्छा, भूख न लगना और परीक्षा के पेपर देखते ही मस्तिष्क का शून्य हो जाना, इस प्रकार के लक्षण उसको दिखाई देने लगते हैं उसमें। और इसके परिणाम स्वरूप उसका जो गणित का संप्राप्ति असर है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जा रहा है, बिल्कुल लो चला जा रहा है। वो आज की तारीख में गणित में एक लो अचीवर बन के रह गया है। जी जी। तो अगर इसके समस्या के लक्षणों को देखें आप, तो श्रवण की जो समस्या है वो वही है कि उसमें गणित भय या गणित भीति या गणित दुश्चिंता, तीनों ही लगभग समानार्थी शब्द हैं, मैथमेटिक्स एंग्जाइटी, मैथमेटिक्स फोबिया। जी जी जी। डॉक्टर अखिलेश जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये जो गणित फोबिया, गणित भीति या गणित से संबंधित दुश्चिंता, गणित एंग्जाइटी जो है, ये आखिर क्या चीज़ है? इसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करने की कृपा करें। जी जी, अच्छा रहेगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो एक बार देखें कि गणित भीति इस शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो सिस्टर मैरी फिदेस गोग ने 1954 में अपने अनुसंधान पत्र मैथेमेफोबिया कॉजेज एंड ट्रीटमेंट इनमें किया था। जी जी। वस्तुतः अगर आप देखें तो गणित एक आनंददायक विषय है, परंतु कई बार पुराने अनुभवों के कारण गणित सीखना एक बोझिल कार्य हो जाता है। जी। अगर गणित सीखने में या गणितीय कार्य के प्रति ऐसी भी रुचि व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए जिसके कारण दैनिक जीवन का अधिगम, दैनिक जीवन में गणित अधिगम को प्रभावित करता हो, अगर कोई ऐसी विरुचि व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए गणित के कारण कि वो गणित सीखने से भागता हो, गणित पढ़ना नहीं चाहता हो और वो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये गणित भय है या गणित दुश्चिंता है। ये सामान्य अर्थों में गणित भय का अर्थ है। लेकिन अगर हम फॉर्मल परिभाषा पे जाएं, तो गणित दुश्चिंता अथवा भय की परिभाषा उस तनाव एवं चिंता के रूप में दी जा सकती है जो शैक्षिक एवं सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे की संख्यात्मक अभियोग्यता एवं गणितीय समस्याओं के हल करने की क्षमता को प्रभावित करता है। और गणित दुश्चिंता के कारण व्यक्ति में भूलने की समस्या एवं आत्मविश्वास की भी कमी दिखाई पड़ती है। जी। और विस्तार से देखें, गणित भीति जो है वो गणित के प्रति एक सीखी हुई भावनात्मक अनुक्रिया है। कैसी अनुक्रिया है? सीखी हुई भावनात्मक अनुक्रिया है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों में प्रदर्शित होती है। किन किन कार्यों में प्रदर्शित होती है? गणित की कक्षा में जाने में, गणित के किसी व्याख्यान के दौरान, गणितीय समस्या के समाधान के दौरान या किसी प्रकार की गणितीय परिचर्चा के दौरान। ये जो परिभाषा दी है गणित फोबिया की, गणित भीति की, वो टोबियास ने 1993 में दी है जी। कि मैथ एंग्जाइटी इज अ लर्न्ड इमोशनल रिस्पॉन्स
जी ये कोई जन्मजात समस्या नहीं है बल्कि ये लर्न्ड इमोशनल रिस्पॉन्स है, गणित के प्रति सीखी हुई भावनात्मक अनुक्रिया है ये, एक्वायर्ड रिस्पॉन्स है ये जी। अगर ये लर्न्ड के दो कनोटेशन है, एक तो लर्न्ड है तो वो जेनेटिक नहीं है, और दूसरा कि अगर इसको लर्न किया जा सकता है तो इसको अनलर्न भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ये दो इसके कनोटेशंस हैं जी। तो टोबिया इसको डिफाइन करते हैं कि मैथ एंग्जाइटी इज ए लर्न्ड इमोशनल रिस्पॉन्स टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटिंग इन ए मैथ क्लास, लिसनिंग टू ए लेक्चर, वर्किंग थ्रू ए मैथ प्रॉब्लम, डिस्कसिंग मैथमेटिक्स। आगे वो कहते हैं कि मोर एवर सच एंग्जाइटी कैन हैपन ऑन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन, हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट, ये किसी भी स्तर पे विद्यार्थी को प्रभावित कर सकता है। जी जी जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पे विद्यार्थी को प्रभावित करेगा, सेकेंडरी लेवल प्रभावित करेगा, कभी भी किसी को भी प्रभावित कर सकता है मैथमेटिक एंग्जाइटी। इसलिए कभी भी कर सकता है क्योंकि ये लर्न इमोशनल रिस्पॉन्स है जी, सीखा हुआ भावनात्मक अनुक्रिया है, इसलिए ये कभी भी प्रभावित कर सकता है जी। एक बार देख लें कि ये सारी परिभाषाएँ जो हमने देखा, तो थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लें कि गणित भीति के विशेषताएं क्या हैं जी। जब ये दोनों परिभाषाएं आपने देखी तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या कि गणित भीति जो है वो तनाव उत्पन्न करता है, व्यक्ति में मानसिक तनाव की परिस्थिति उत्पन्न करता है जी। दूसरा, गणित की भीति जो है वो व्यक्ति में दुश्चिंता उत्पन्न करता है, एंग्जाइटी उत्पन्न करता है जी। तीसरा, गणित भीति जो है वो बच्चों में शैक्षिक परिस्थितियों में संख्यात्मक एवं गणितीय अभियोग्यता को प्रभावित करता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज को प्रभावित करता है जी, नेगेटिवली नेगेटिवली प्रभावित करता है जी। गणित भय बच्चे के सामान्य जीवन में गणित के प्रयोग करने की क्षमता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जी, और गणित भय के कारण व्यक्ति में भूलने की समस्या हो सकती है, और इन सब के फलस्वरूप व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी दिखाई पड़ सकती है जी जी। तो आपने बड़े अच्छे से गणित से डर को, गणित की भीति को आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आपने ये बताया कि ये एक्वायर्ड है, ये लर्न्ड है रिस्पॉन्स, तो अगर ये लर्न्ड रिस्पॉन्स है तो आखिर वो क्या कारण है, वो क्या वजहें हैं जिनकी वजह से गणित में भीति पैदा होती है, बच्चा जो है अचानक से इस तरीके के उसमें लक्षण प्रकट हो जाते हैं, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी दृष्टि में गणित भीति उत्पन्न करती हैं, जो इसके कारण हैं के तौर पर जिनकी हम पहचान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने यशपाल सर, चूँकि जो प्रश्न आपने किया है कि आखिर वो कौन से कारण हैं, जब तक हम कारण नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक हमें उसका समाधान नहीं मिलेगा, और इसी वजह से DLED के इस प्रोग्राम में गणित भीति का एक इकाई रखा गया है, ताकि टीचर को सारे प्रोस्पेक्टिव हमारे टीचरों को ये पता हो कि गणित भीति को दूर करने में, बच्चों में गणित भीति को दूर करने में वो क्या कर सकते हैं। तो आपने जो कहा कि गणित भीति के कारण क्या हैं, तो गणित भीति के बहुत सारे कारणों में से कुछ कारणों की, प्रमुख कारणों की मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। सबसे पहला तो है कि गणित के से संबंधित पुराने अप्रिय अनुभव। कई बार आपने देखा होगा कि गणित टीचर जो है वो यूजुअली परंपरागत रूप से माने जाते हैं कि बड़े स्ट्रिक होते हैं, बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं, और अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें तो विद्यालयों में बच्चों को प्रताड़ित करने में कई बार गणित और विज्ञान के शिक्षक जो है अव्वल माने जाते थे। हालाँकि आज ऐसी स्थिति नहीं है और बहुत कुछ परिवर्तन आए हैं, तो ऐसे में मान लीजिए कि किसी बच्चे को गणित के कारण सजा मिलती है विद्यालय में जी, मैं तो आपकी बात से बहुत सहमत हूँ डॉक्टर साहब। मेरा भी जो व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने अपने पढ़ाई के दौरान जो महसूस किया कि गणित विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, और कई बार बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं, वो उनको यही बार ये कह करके बच्चों से वो कहते हैं कि आप, हर किसी के बस का नहीं है कि गणित सीख ले, हर किसी के बस का नहीं विज्ञान सीख ले, हर किसी के बस का नहीं है कि अंग्रेजी सीख ले, तो इस तरीके की नकारात्मक चीज़ों का भी मुझे लगता है प्रभाव पड़ता होगा। प्रभाव पड़ता है, अब बचपन के अगर ऐसे एक्सपीरियंस हो तो धीरे धीरे बच्चा जो है दूर होता जाएगा गणित विषय से, और गणित चूँकि आप जानते हैं कि पदानुक्रमिक सब्जेक्ट है, अर्लियर फाउंडेशंस जो है वो आगे की गणित में
काम आते हैं। जी, जी, तो ऐसे में अगर उसका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आगे की गणित सीखने में उसको समस्या होगी, और धीरे धीरे उसकी समस्या बढ़ती जाएगी और वो गणित से दूर होता जाएगा। जितना वो गणित से दूर होता जाएगा, गणित उससे उतना दूर होता जाएगा, और कुल मिलाकर के फिर फाइनली बच्चे में गणित एंग्जाइटी या गणित भीति के लक्षण दिखाई देने लगे। जी, इसके और कारणों में जैसे विद्यालय का वातावरण जो है बहुत सुखद ना हो, बहुत चाइल्ड फ्रेंडली ना हो, या घर और विद्यालय दोनों ही जगह पे गणित सीखने से मैत्रीपूर्ण वातावरण अगर ना हो तो भी बच्चे में मैथ फोबिया के लक्षण दिख सकते हैं। अब इन ये कारण जितनी गंभीरता से मौजूद होंगे उतने गंभीर बच्चे में लक्षण दिखेंगे, कारण जितने कम गंभीरता से होंगे उतने कम उतना अल्प जो है ये लक्षण अल्प प्रभाव गणित भीति का पड़ेगा बच्चे पे। जी, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई शरारत करता है, बच्चा कोई गलती करता है, तो माँ बाप भी कई बार या विद्यालय के शिक्षक उसको गणित के कुछ कार्य दे देते हैं सजा के तौर पर कि अच्छा आज तुमने ये काम नहीं किया है, आज तुमने होमवर्क नहीं किया, कल गणित का ये चैप्टर तुम पूरा बना करके लाओगे या 10 प्रश्न बना करके लाओगे। यही काम माँ बाप करते हैं कि अच्छा आज तुम खेलने गए थे और तुम 2 घंटे लेट आए हो, आज तुम 1 घंटे ज़्यादा गणित पढ़ोगे। अब ऐसे में गणित के प्रति बच्चे का जो है इमोशनल रिस्पॉन्स, वो उसको लगता है वो नकारात्मक होने लगता है, उसको लगता है कि विषय जो है विषय ना होकर के सजा है, वो गणित को या तो अपने सजा के रूप में या अपने दुश्मन के रूप में उसको देखने लगता है और उससे दूर होने लगता है, और अगर एक बार दूरी शुरू हो गई तो फिर वो बढ़ती जाएगी। जी, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चों पे घर में माँ बाप ध्यान नहीं देते और बच्चा जो है पर्याप्त प्रैक्टिस गणित की नहीं कर पाता, वो घर आता है सोचता है कि चलो सीख लिया थोड़ा सा कर लेंगे फिर तो हो जाएगा, मुझे तो सब आता है, जो कछुए और खरगोश वाली कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी वो वैसा ही करता है और अभ्यास नहीं करता, परीक्षा में जाएगा चूँकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया है वो हल नहीं कर पाएगा, हल नहीं कर पाएगा कम मार्क्स आएंगे और फिर उसको मैथ एंग्जाइटी और मैथ फोबिया धीरे धीरे उसमें डेवलप होने लग सकती है। जी, इसके अलावा अगर बच्चे में की गणित के प्रति अभिवृत्ति जो है वो नकारात्मक हो, वो ये मान के चलता हो कि गणित एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, गणित आसान नहीं है, गणित सीखने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस प्रकार की अगर नकारात्मक अभिवृत्ति उसके मन में गणित के प्रति हो, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति अगर हो, तो उस सब्जेक्ट से उसको डर लगने लगेगा, उस सब्जेक्ट से वो दूर हो जाएगा और वो सब्जेक्ट वो पढ़ना नहीं चाहेगा। कई बार क्या होता है कि दूसरों के सामने अपमान का भय जो है वो भी बच्चे को बहुत सताता है कि माँ बाप कई बार ये तुलना कर देते हैं, उसको कह देते हैं बच्चे को कि देखो उनका लड़का है एक्स वाई जेड, वो गणित में कितना अच्छा है, वो गणित में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक तुम ही हो जो गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, इस प्रकार के लैंग्वेज जब माँ बाप यूज करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे उस परिस्थिति से भी कटने लगता है और उस सब्जेक्ट से भी कटने लगता है, उसको लगता है कि ये गणित है जो मेरे अपमान का कारक है। जी जी, अगर ये गणित बीच में ना हो तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक हेटर्ड फीलिंग जो है, एक नफरत की भावना आ जाती है गणित के प्रति कि ये तो बार बार इसके चलते मुझे अपमानित होना पड़ता है। ये हम सबके अनुभव के दायरे में है ये कि अधिकांश पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करके उनको नकारात्मक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो अब आज के समय में लगभग प्रत्येक स्तर पर ये माना जाने लग गया है कि इस प्रकार से बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करना अच्छा किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता, और ख़ास करके दूसरे लोगों के सामने। जी जी जी, अगर आप तुलना करते हैं तो आप बच्चे को कम्युनिकेट करें पॉजिटिव सेंस में कि भाई तुम्हारा साथी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है गणित में, चूँकि वो मेहनत करता है, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो कोई कारण नहीं कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। जी, इस प्रकार का कंपैरिजन जो है स्वस्थ कंपैरिजन बच्चे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। जी, लेकिन अगर आप नकारात्मक कमेंट करते हैं कंपेयर करके तो वो उसको बच्चे को सब्जेक्ट से दूर लेकर के जाएगा। इसके अलावा और भी कारण जो है, जैसे अगर मान लीजिए टीचर जो है अनस्ट्रेटिंग मेथड्स का प्रयोग कर रहा है, टीचर TLM अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर रहा है बच्चे को पढ़ाने में, या मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए विद्यालय में उपयुक्त संसाधन नहीं है, विद्यालय में टीचर नहीं हो, या टीचर जिस लेवल के क्वालिफाइड होने चाहिए उस लेवल के क्वालिफाइड टीचर ना हो, विद्यालय में मैथमेटिक्स लेबोरेटरी ना हो, ये सारे कारण भी हैं जो कि गणित भीति के विकास में बच्चे में। जी डॉक्टर साहब, मेरा भी ये अनुभव है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अधिकांश विद्यालयों में अगर हम देखते हैं तो उसमें गणित के अच्छे अध्यापकों की बहुत कमी है, और शायद मैं गणित के प्रति जो भीति या डर जो उत्पन्न होता है बच्चों में, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका है कि गणित के अच्छे अध्यापक विद्यालयों में कम उपलब्ध हो पा रहे हैं। जी। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि चूंकि ये एक्वायर्ड है, चूंकि ये लर्न्ड है, तो सीखा हुआ है जी, तो क्या सीखे हुए को गैर सीखा तो हम कर सकते हैं, लर्न्ड को हम अनलर्न्ड तो कर सकते हैं जी, तो क्या तरीके हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें अपने विद्यार्थियों के साथ तो उनको इस गणित भीत से, मैथ्स फोबिया से हम मुक्ति दिला सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब। उस पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि इसके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, गणित भीति के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि इन लक्षणों के बाद फिर हम उस पे चर्चा करेंगे कि गणित भीति को कम करने में अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे किया जा सकता है। तो लक्षणों में अगर हम बात करें कि कौन से लक्षण हैं, तो सबसे पहला तो है गणित भीति का लक्षण कि बच्चे में नकारात्मक स्वसंवाद। बच्चा आपको अक्सर कहता हुआ मिल जाएगा कि अरे मैं तो गणित सीख नहीं सकता, गणित मेरे बस का नहीं है, पता नहीं किसने ऐसा विषय बनाया था, मैं तो इसको पढ़ नहीं सकता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, 1+1 2 के बजाय 3 ही हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब गणित के प्रति जितने नकारात्मक संवाद हो सकते हैं वो संवाद वो देता है, करता है जी, और कई बार सेल्फ संवाद भी, स्वसंवाद भी करता है। दूसरा कि गणितीय कार्य के प्रति, क्योंकि उसको गणित से डर लगता है तो गणितीय कार्य के प्रति उसके प्रेरणा नहीं होगी, और जितना दिन टालना चाहे हमेशा 11th आवर में वो गणित के प्रश्नों को जब मजबूरी हो जाएगी कि मुझे ये करना ही करना है तब वो हाथ में लेगा, और इसके चलते वो और पूरा सीख नहीं पाता है कुछ ज़्यादा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनमें गणित का नियमित अभ्यास न करना, अभ्यास न करना जो है एक तरफ तो गणित फोबिया का कारण है, दूसरी तरफ गणित फोबिया अगर है बच्चे को, गणित भीति अगर बच्चे को है तो अभ्यास से भागेगा वो, गणित के आसपास न फटकना चाहेगा वो, वो सोचेगा कि गणित से जितनी दूरी हो जाए इसके चलते वो घर आके अभ्यास नहीं करेगा, और जितना अभ्यास नहीं करेगा गणित भीति उसकी बढ़ती जाएगी जी। इसके अलावा गणित के होमवर्क से भागना, गणित का होमवर्क नहीं पूरा करेगा, या गणितीय कार्य करते समय गणित या गणित की परीक्षा के समय अत्यधिक तनाव में, बहुत तनाव में, आप कई बार कुछ बच्चों को देखेंगे जी, वो जी, इतने तनाव में होते हैं कि अगर आप उनसे सिर्फ ये पूछ लें उस वक्त कि क्या कल आपका एग्ज़ाम है, वो इतना झल्ला कर आपको जवाब देंगे कि हाँ भाई है, लेकिन अब आप चुप रहो। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जब एक्सट्रीम टेंशन की कंडीशन भी कई बार गणित भीति के बच्चे शो करते हैं। इसके अलावा गणितीय तथ्यों को याद करने में उनको कठिनाई होती है, गणित को समझने के बजाय याद करने में, कई बार अब परीक्षा तो पास करनी है, गणित से डर भी लग रहा है, परीक्षा ही पास करनी है, माँ बाप के नाराज़ होने का डर, स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब होने का डर, तब क्या करते हैं वो गणित के प्रश्नों को चाहते हैं कि वो मेमोराइज कर लें पूरा का पूरा उनका आंसर, और जितना हो सकता हो जैसे तैसे येन केन प्रकार न हो गणित की परीक्षा पास कर लें। कई बार गणित की परीक्षा के दौरान उनका ये सारे जो सिम्टम हैं, चूँकि ये इमोशनल रिस्पॉन्स है तो इसके सिम्टम इमोशनल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, तो ऐसे में कई बार शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना गणित के एग्जाम के दौरान, धड़कनें बढ़ जाना, बहुत तेज़ पसीने आना, चक्कर से आने, इस प्रकार के रेस्पॉन्स भी आने लगते हैं अगर गणित भीति की मात्रा, गणित भीति की इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा हो। तो मैंने एक कल इस प्रेजेंटेशन को तैयार करते हुए कोशिश की है कि कोर सिम्टम्स की जो मुख्य लक्षण हैं गणित भीति के, उनको चूँकि ये मैथमेटिक्स का क्लास है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में न्यूमोनिक्स के रूप में उसको एक्सप्रेस करें। तो जो मुझे फॉर्मूला मिला है वो मिला है कि गणित भीति इज इक्वल टू P^3 × C, PQC। अब ये PQC क्या है, क्विकली हम एक नज़र देख लें कि जब भी गणित भीति होगी बच्चे में तो उसमें लक्षण जो दिखाई पड़ेंगे वो पैनिक दिखाई पड़ेगा। पहला पी स्टैंड फॉर पैनिक जी, और जैसे उसमें ये असहायता का भाव दिखाई देगा कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता जी। दूसरा पी पैरानॉइड दिखाई देगा जी, उसको ये फील होता है कि मुझे छोड़ करके बाकी सबको इसका उत्तर पता होगा, तो एकमात्र मैं ही हूँ कि जिसको इसका उत्तर पता नहीं है। तीसरा पी जी पैसिव जी, कि मैं गणित में अच्छा नहीं कर सकता, मुझे तो गणित आ ही नहीं सकता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। हाँ, और फाइनली सी स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये अगर PQC फार्मूला हमारे साथी शिक्षक याद रखें तो उनको बच्चों में गणित विधि को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। पहला पैनिक, दूसरा पैरानॉइड, तीसरा पैसिव रेस्पॉन्स, और चौथा सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैथ एंग्जाइटी। मैथ एंग्जाइटी इज इक्वल टू PQC।
आपने बहुत अच्छे से इसके फार्मूले के रूप में बताया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ये आपका संप्रत्यय है गणित भीति का, मैथ्स फोबिया का जी। एक और जुड़ा हुआ संप्रत्यय होता है गणित अक्षमता का जी, मैथ्स डिसेबिलिटी का जी। क्या ये दोनों जो संप्रत्यय हैं ये आपस में कहीं से जुड़ते हैं, ये दोनों का कोई संबंध है आपस में या नहीं है, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यशपाल सर, आपने बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न किया है और अक्सर ये कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि क्या दोनों सेम हैं। जैसे जैसी आपने बात की गणितीय अधिगम अक्षमता, जिसको कि हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, इसमें बच्चे में कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है, वो कैलकुलेशन के कार्य कर ही नहीं पाता, कुछ परसेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनके चलते वो बाकी सारे काम तो बहुत अच्छे से कर लेता है लेकिन कैलकुलेशन के काम नहीं कर पाता। तो कई बार दोनों के लक्षण चूंकि सेम हैं, जैसे डिसकैलकुलिया का बच्चा भी गणित से भागेगा, गणित भीति का बच्चा भी गणित से भागेगा जी। दोनों को ही वास्तविक जीवन में गणित से संबंधित कार्य करने में परेशानी होगी, दोनों का गणितीय अकादमिक अचीवमेंट जो है वो कम होगा। तो ऐसे में कई बार भ्रमवश ऐसा लगता है कि दोनों सेम हैं लेकिन वस्तुतः दोनों समान नहीं हैं। गणित भीति में क्या होता है कि बच्चे में आवश्यक कौशल होते हैं और बच्चा सफिशियंट अध्ययन भी करता है, इसके बावजूद उसको फेल होने का डर सताता है। जबकि गणितीय अधिगम अक्षमता या डिसकैलकुलिया में विद्यार्थी में आवश्यक कौशल का ही अभाव होता है जी, जी। उसमें आवश्यक कौशल है ही नहीं, उसको परसेप्चुअल डिफिकल्टी के कारण उसमें आवश्यक कौशल है ही नहीं, उसको गणित समझ में नहीं आता तो उसको फेल होने का डर उसको भी सताता है, लेकिन उसके कारण दूसरे दूसरे हैं जी। इसके अलावा गणित दुर्भीति में संभव है कि बच्चा जो है गणित के होमवर्क के अधिकांश प्रश्न सही कर ले जी, फिर भी घबराहट प्रदर्शित करे, जबकि गणित अधिगम अक्षमता में बच्चा गणित के होमवर्क पर बहुत समय देने के बाद भी अधिकांश उत्तर वो गलत कर लेगा। इसके अलावा गणित भीति में बच्चे का गणित का निष्पादन असर खराब होता है, क्योंकि सारी तैयारी के बावजूद डर उसको लिखने नहीं देता, डर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं देने देता। जबकि गणितीय अधिगम अक्षमता या डिसकैलकुलिया में बच्चा उस कंटेंट को समझ ही नहीं पाया, उस सामग्री को ही समझ नहीं पाया, तो कहाँ से लिख पाएगा जी। एक बड़ा अच्छा उदाहरण इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे कल मिला है कि गणितीय अधिगम अक्षमता के व्यक्ति की तुलना आप उस पर्वतारोही से कर सकते हैं जो कि उसके पैर नहीं हैं, वो पर्वतारोहण करना तो चाहता है, उसके पैर नहीं हैं, ये एक्चुअल डिफिकल्टी है, वो पर्वतारोहण नहीं कर पाता जी। लेकिन जो गणितीय भीति से युक्त विद्यार्थी है उसकी तुलना आप उस पर्वतारोही से कर सकते हैं जिसके दोनों पैर तो हों लेकिन वो पर्वतारोहण के संसाधन भी हों, पर्वतारोहण के लिए चला भी गया हो और वहां जाकर के वो पहाड़ को देख के खड़ा करे इतना ऊंचा मैं तो चढ़ ही नहीं सकता जी, 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 ये है गणित भीति जी। इसके बाद अब आपने इससे पहले जो प्रश्न किया था उस पे आते हैं कि इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके दूर करने के उपायों को जानने से पहले एक बार देख लें कि गणित शिक्षक बच्चे के गणित भीति के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। बच्चे गणित भीति का शिकार हो सकते हैं अगर गणित शिक्षक क्या क्या कर नहीं कर पाता तो बच्चे गणित भीति का शिकार हो सकते हैं। इस पर जरा चर्चा कर लें कि अगर गणित शिक्षक खुद अपने व्यवहार से ये शो नहीं करता कि उसको गणित से प्यार है, वो गणित को पसंद करता है, बच्चों में गणित भीति आ सकती है। अगर शिक्षक गणित को आनंददायक नहीं बनाता बच्चों में गणित के प्रति भीति आ सकती है। अगर शिक्षक दैनिक जीवन एवं करियर में गणित का महत्व बच्चों को नहीं बता पाता तो बच्चों में गणित भीति आ सकती है। उनको पता ही नहीं कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, देन क्यों पढ़ें? अगर हमें नहीं पता कि इसकी यूटिलिटी क्या है देन व्हाई शुड वी स्टडी? बच्चों में तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि इसकी यूटिलिटी क्या है जी। इसके अलावा अगर टीचर बच्चों की रुचियों के अनुसार अपने अनुदेशन में अनुकूलन नहीं कर पा रहा, फिर से बच्चों में गणित की भीति आ सकती है। अगर टीचर ने अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं रखे हैं बच्चों में गणित की भीति आ सकती है। टीचर ने अगर गणित के अधिगम हेतु सफल क्रियाओं की सहायता नहीं ली है बच्चों में गणित भीति आ सकती है। और फाइनली सातवां जो बिंदु है कि अगर उपयुक्त विधियों का प्रयोग गणित शिक्षण के लिए टीचर ने नहीं किया है, अब मान लीजिए कि कोई टीचर एक नियम के प्रश्न जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, प्रैक्टिस नहीं करा रहा, ड्रिल नहीं करा रहा, बच्चे कहाँ सीख पाएंगे? बिल्कुल। तो अगर वो उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है पढ़ाने में, बच्चे में गणित भीति आ सकती है जी। और इसके आखिर में बस मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और
कल मुझे मिला है कि पुलाव हम सब लोग खाते हैं, तो वैसा ही गणित भी पुलाव खाने जैसा ही आसान और उतना ही आनंददायक हो सकता है अगर टीचर्स कुछ स्किल्स अपने में डेवलप कर लें। जी, एक छोटा सा न्यूमोनिक्स मैंने डेवलप किया है कि आनंददायक गणित इज इक्वल टू टीचर इंटू आई एम पुलाव। जी, टीचर इंटू आई एम पुलाव। जी, कहने का मतलब है कि आनंददायक गणित जब बताना हो तो टीचर को क्या क्या करने चाहिए। जी, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई किया है टीचर इंटू आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, कि टीचर को बच्चों में गणित के प्रति डेवलप करना चाहिए इंटरेस्ट, रुचि, कि कैसे बच्चों में गणित के प्रति रुचि इंटरेस्ट डेवलप करें। जी, दूसरा आई एम, एम का ए, कि टीचर को जो है गणित को एक्टिविटी बेस्ड बनाना चाहिए। जी, तीसरा एम, टीचर को अप्रोप्रिएट मेथड यूज करने चाहिए। जी, और पुलाव का पी स्टैंड्स फॉर प्लेजरेबल, टीचर को मैथमेटिक्स पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जा रहा है वो प्लेजरेबल हो, आसानी से सीखने लायक हो, खेल खेल में सिखाया जाए। जी, और यू स्टैंड्स फॉर यूटिलिटेरियन, टीचर को गणित की यूटिलिटेरियन वैल्यू को बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको रियल, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इससे पहले, सेमिनार या फील्ड विजिट पर जा करके रियल लाइफ सिचुएशन में गणित की उपयोगिता उनको बतानी चाहिए। इसके अलावा एल स्टैंड्स फॉर लव, टीचर मस्ट शो लव फॉर मैथमेटिक्स, टीचर को गणित के प्रति प्यार दिखाना चाहिए कि वो गणित को उसको पसंद करता है, गणित की समस्याएं। मुझे लगता है गणित के साथ साथ उसे विद्यार्थियों के प्रति भी प्यार दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति तो स्वाभाविक है कि आपको प्यार दिखाना चाहिए भी, और कानून उसको आपकी मजबूरी भी, टीचर्स की मजबूरी भी। गणित अध्यापक बच्चों के प्रति प्यार दिखाने में थोड़े कमजोर होते हैं। जी, और इसके अलावा ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ, टीचर को मैथ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड शो करने चाहिए, और टीचर को अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स मैथ के एस्टैब्लिश करने चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूला हमारे सारे साथी शिक्षक याद रखें, आनंददायक गणित इज इक्वल टू टीचर इंटू आई एम पुलाव, अगर वो ये न्यूमेरिक्स याद रखते हैं तो कोई कारण नहीं है कि गणित लर्निंग आनंददायक नहीं होगा, और कोई कारण नहीं है कि बच्चे की गणित वीति कम होगी, गणित का डर बच्चों में कम होगा, और आगे से उसका प्रोग्रेस, गणित वीति का प्रोग्रेस रुक जाएगा और बच्चे गणित में आनंद लेने लगेंगे, गणित में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। ये आपका जो सूत्र है टीचर इंटू आई एम पुलाव, ये मैं याद रखने की कोशिश करूँगा, अपने साथियों को भी बताया करूँगा। आपने बहुत अच्छे से हमें गणित भीति के विषय में बताया, आपने इस बताया कि गणित भीति क्या होती है, आपने ये भी बताया कि गणित भीति कैसे उत्पन्न होती है, आपने गणित भीति के लक्षण कैसे क्या क्या होते हैं वो भी आपने विस्तार से बताया, आपने गणित भीति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, जो मुझे लगता है सभी अध्यापकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस NIOS के स्टूडियो में पधारने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, सबको लाभान्वित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी, और सभी विद्यार्थियों का भी NIOS स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।